आज की वीडियो में हमारे पास है यहाँ पर ये हेबल्स कंपनी का 40 एम्पियर का आइसोलेटर स्विच। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो आइसोलेटर स्विच है यहाँ पर खराब हो चुका है। तो आज मैं आपको यहाँ पर रिप्लेस करना सिखाऊंगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में इसके जो कनेक्शन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, अभी से लाइक शेयर जरूर कर देना। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। ऑलरेडी हमारे पास एक गौरव कंपनी का लगा हुआ है आइसोलेटर स्विच, लेकिन दोस्तों ये जो है अभी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, खराब हो चुका है। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है, खोलने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको ये दो पोल जो दिखाई दे रहे हैं तो इन पे से वायर को निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रहे दोस्तों, ये जो है इनपुट वायर है तो इसमें करंट आ रहा होगा, तो ध्यान रहे। अभी तो फिलहाल मैंने मेन सप्लाई को ऑफ किया हुआ है, तो ये जो है इनपुट है। आप जब भी लगाएं तो बहुत ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि ये जो इनपुट वायर है इसमें करंट आ रहा होगा। एंड दोस्तों अब देखिए दोस्तों, ये जो है स्विच जो है बिल्कुल फ्री हो गया है, और अब इसे आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक क्लिप दी होती है और इस क्लिप को इस तरीके से खींचना होता है और ये आराम से निकल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये निकल गया, ये बेकार हो चुका है। देखिए अंदर से आवाज़ भी आ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। अब इसकी जगह पर हम रिप्लेस करके एक नया आइसोलेटर स्विच लगाते हैं जो हैवल्स कंपनी का है। एंड दोस्तों ये 40 एम्पियर का स्विच है। अब दोस्तों एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा, और साथ ही साथ लगाते लगाते मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसे आइसोलेटर स्विच कहते हैं तो एमसीबी क्या होती है। तो एमसीबी और आइसोलेटर स्विच में फ़र्क क्या रह जाता है, तो देखिए दोस्तों एमसीबी और आइसोलेटर जो स्विच होता है उसमें जो फ़र्क है बहुत छोटा सा फ़र्क है। देखिए जो आइसोलेटर स्विच ये होता है ये ऑन ऑफ का काम करता है, और एमसीबी जो होती है वो ट्रिप होने का काम करती है। यानी अगर इस पे आप 40 एम्पियर से ज़्यादा का लोड डालेंगे तब भी ये ट्रिप नहीं होता है, जबकि अगर 40 एम्पियर की आपके पास एमसीबी है तो एमसीबी पे अगर आपने 45 एम्पियर का लोड डाल दिया, उस 40 एम्पियर से ज़्यादा का लोड डाल दिया, तो एमसीबी जो होगी वो ट्रिप हो जाएगी। लेकिन ये जो होता है ट्रिप नहीं होता है, यानी दोस्तों ये कंटिन्यूसली करंट आपको देता रहता है। और दूसरा दोस्तों डबल पोल है, यानी फेस और न्यूट्रल दोनों को ये लाइन को सेपरेट कर देता है, तो करंट लगने का खतरा कम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों एक यहाँ पर पिन दी हुई है, इस पिन में पेचकस को फंसाना है और इसे खींच लेना है, और ये जो है इसके अंदर आराम से बैठ जाएगा। यहाँ पर इसको खींचना है इस तरीके से, ये खींच गया। अब देखिए दोस्तों इसका लॉक हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन करने हैं। अब दोस्तों ये जो है डबल पोल आइसोलेटर स्विच है, तो यहाँ पर दोस्तों इनपुट ये जो है आपका आउटपुट है, और दोस्तों ऊपर वाला जो है इनपुट है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले इन आउटपुट हम लोग लगा लेते हैं, फिर इनपुट लगाएंगे सप्लाई का। तो ये जो है हम इनपुट लगा लेते हैं यहाँ पर, फिर आउटपुट स्विच लगाने वाले हैं। देखिए दोस्तों इसका आउटपुट तो लग गया है, अब इनपुट की बारी है। दोस्तों इनपुट में जो सप्लाई आ रही है वो हमें लगानी है,